नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के लिए बीच एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आया हूँ, बिजनेस आइडिया जो कि बहुत ही कम लागत में भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता रहा हूँ कि इस बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है और बिजनेस क्या है। तो बिजनेस है कि आप कम पैसों में आप गेहूं का स्टोकर्स या कोई भी अनाज स्टोकर्स कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आप टोटल बात करेंगे आपको कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको और क्या क्या इसके लिए कौन सी लाइसेंस भी लेनी पड़ती है, कहाँ पर करेंगे इस बिज़नेस को, कितना लागत पड़ेगा। बहुत ही कम आइडिया में आप इसको कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे आइडिया है। अगर चाहें आप तो एक बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी चाहते हैं इसको बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए तो भी होगा, लेकिन मैं राय दूंगा लोगों दोस्तों कि आप लोग अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कीजिए। इट मीन्स कि आप कम पूंजी लगाइए स्टार्टिंग में और स्टार्ट कीजिए बिजनेस को, ताकि आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा क्या इस बिज़नेस को मैं आगे लेकर फर्दर कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं। तो मैं इसलिए राय दूंगा कि आप बहुत ही कम पैसे लगाकर और इन्वेस्टमेंट कीजिए और स्टार्ट कीजिए बिजनेस को। बहुत ही अच्छा बिजनेस है और चलेगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस है कि आप गेहूँ स्टोकर कैसे बने, है ना। बहुत सारे बंदे को हमारे मन में होगा कि उनके पास रोड साइड में ज़मीन है, या तो रोड साइड में कोई भी मेन रोड में, हाईवे में, या गांव साइड में भी। जो एक आपका मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप लोग ऐसे रोड हो जिस गांव से कम से वो रोड मिनिमम 10 गांव से अटैच हो, समझ रहे हैं आप, कि उस गांव के लोग आने जाने वाले कहीं भी हो तो वो 10 गांव के लोगों को उससे सफ़र करता हो। तो ऐसे रोड में अगर सिलेक्ट करेंगे, या तो भले आपका अपना ज़मीन नहीं है तो आप रेंट भी ले सकते हैं, और वो ज़मीन आप खेती टाइप में भी हो सकता है। अगर इस टाइप का आप सेट का जुगाड़ कीजिए कि लोग बहुत सारे लोग बना के गोडाउन टाइप का और दे देते हैं रेंट पे, तो अगर उस टाइप का मिल जाता है मेन रोड में तो बहुत ही अच्छे है। पहले आप गोडाउन ले लीजिए, ज़मीन रेंट पे लेंगे, फिर उस में आपको बनाना पड़ेगा तो एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट उसमें लग जाएगी। कहने के मतलब अच्छे खासे नहीं, कोई बिल्डिंग बनाना है नहीं, यहाँ पे गोडाउन टाइप का बनाना है, लेकिन उसके लिए अनाज की बात है तो पानी वानी उसमें नहीं जाना चाहिए। एक अच्छे खासे माने सेट तैयार होना चाहिए ताकि आपका अनाज ख़राब ना हो सके। बारिश के मौसम में ज़्यादा धूप पड़े तो भी बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है जब अनाज का स्टोकर बनते हैं तो, वरना आपकी उसमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। साथ में ही कि आपका गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यवस्था है वो आसानी से हो पाए वहाँ पे, उस जगह पे जिस जगह पे आप सेट का व्यवस्था करेंगे या आप सिलेक्शन करेंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे आपका सेट का या तो आप रेंटर ले लेते हैं या तो आप खुद बना लेते हैं वहाँ पे हो जाता है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, एग्जाम्पल में लेते हैं कि गेहूँ कहाँ से आएगा आपके पास। गेहूँ आपको तो स्टॉक करना पड़ेगा ना, तो स्टॉक क्या डायरेक्ट आप गांव में जाके खरीदेंगे, या तो आप लोगों आपका लोग आपके पास यहाँ पहुँचाएंगे, इस टाइप की जगह इसलिए सिलेक्शन करना पड़ रहा है कि आपको लोग इजीली पहुँचाए। माने कहने के मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कि बिजनेस करना स्टार्ट, बहुत सारे गांव एरिया या विलेजेस एरिया में जो सफ़र करते हैं बंदे, जो किसान हैं, वो लोग डायरेक्ट मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मंडी का रेट और बीच का स्टॉकर का रेट, वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है। कहने के मतलब अगर किलो पे दो रुपये का भी मार्जिन आ रहा है ना दोस्त, तो एक किसान मिनिमम अगर एक दिन में जब उन लोगों को सेलिंग करना पड़ता है तो 8 क्विंटल 10 क्विंटल माल सेल करते हैं। कहने के मतलब किसान को 1500 से 2000 रुपया पर केजी बेफिजूल की नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप बीच में मीडिएटर बन जाते हैं, स्टोकर बनते हैं, तो दोस्त क्या होगा कि उनको एक आप जो मंडी रेट है वहाँ से 1 रुपया ज़्यादा भी देंगे और वो डायरेक्ट आपके यहाँ आके और सेल कर पाएंगे इजली। उसके कोई मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है और किसानों लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा उसके पर केजी के अकॉर्डिंग्स। माने आप ज़्यादा रेट मैक्सिमम रेट में आप ले पाएंगे। उसको लेने के बाद आप चाहे तो अपना स्टाफ रख के और गांव विजिट भी करवा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कि मेरा खुद का स्टोकर से यहाँ पे बना हूँ मैं, और आप लोगों को कभी भी सेलिंग की ज़रूरत हो कोई भी अनाज की। और यहाँ पे खाली गेहूं का ही नहीं, अगर आप चाहे तो अनाज का कोई भी अनाज, जैसे सरसों हो गया, है ना, तिल हो गया, बहुत सारे अनाज का आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप गेहूं का बन रहे हैं तो ओनली गेहूं का ही बनना है। और उसके बाद सपोज मैं बात करता हूँ कि गेहूं का ही, तो गेहूं का अगर बन गए तो फिर सेल कहाँ करेंगे? तो दोस्त आपके पास बहुत सारा नियर बाई जहाँ भी आप करेंगे ना वहाँ पे फ्लावर मिल होगी, वहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, बात कर लीजिए उन लोगों से ताकि वो आपका माल इजिली ले ले। और अगर आप
मैं बोलूँगा कि कम इन्वेस्टमेंट लगा के और स्टार्ट कीजिए बिजनेस को। आपको शेयर तैयार हो गया, रोड साइड में जगह है, तो इसमें पैसा कितना लगेगा वो बताता हूँ मैं आपको। लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, मिनिमम आपको एक GST लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अनाज फूड में आता है तो उसको आप एक फसाई लाइसेंस ले सकते हैं। अगर फिलहाल आपको फसाई लाइसेंस नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड लाइसेंस और इसमें GST लाइसेंस से आप काम फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेल कहाँ करेंगे, तो वही बात है आती है बीच में कि ले लेते हैं फिर मंडी से अच्छे रेट नहीं मिल पाते। तो मैं बोलूँगा मंडी से अच्छा होगा कि आप नियर बाई कोई भी फ्लावर मिल में गेहूँ के लिए स्पेशल बात कीजिए, वो लोग अच्छे खासे रेट में आपके पास डेली आके ले जाएंगे। डेली वन एक गाड़ी भी होगा, 10 क्विंटल 12 क्विंटल 15 क्विंटल स्टार्टिंग लेवल का, आप ताकि वो आपका पेमेंट जो होगा फंसेगा नहीं और लंबा जाएगा नहीं। कहने की मतलब अगर आपका आपके पास मिनिमम 30,000 से 50,000 भी अगर है पैसा, पूंजी है आपके पास, तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए मैं राय दूंगा कि बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, ताकि सपोज अगर आप एक टन का वो कर रहे हैं, स्टोकर बन रहा है कि पर डे आप एक टन खरीद रहे हैं और एक टन पर डे आपके यहाँ से सप्लाई हो जा रहा है, तो मैक्सिमम 30,000 से पूंजी लगेगी अगर गेहूँ की। अभी का 28 से 30,000 रुपये फिलहाल का प्रजेंट रेट है, ये बाद में वेरी होते रहता है, प्रजेंट रेट है। ये सब आपका डिपेंड करेगा फैक्टर्स की, कैसा सिचुएशन है, मौसम कैसा है, खेती किस टाइप की हुई है, तो उसके ऊपर अप एंड डाउन रेट में चलती रहती है गेहूँ का, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और पर डे आप लेकर, या तो अगर बड़ा स्टोकर बनना चाहते हैं तो पहले आप स्टोक कर लीजिए, 10 टन 15 टन 20 टन माल स्टोक कर लीजिए, फिर आप फॉरेन कंट्री में सप्लाई दीजिए इसको। तो दोस्तों उसके लिए एक ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी, मिनिमम आपके उसके लिए 5 लाख से 10 लाख में आना पड़ेगा। तो मैं राय दूंगा कि स्टार्टिंग कीजिए ताकि आपको समझ में आए, पहले स्टार्ट तो कीजिए आप। इसलिए मैं इस बिजनेस आइडिया को लेके आया हूँ आप लोगों के बीच कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में और कोई भी ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लाइव एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको मार्जिन आ रहा है पर के जी पे, कितना टाइम में कितना आप अर्निंग कर पा रहे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ये सब सारी चीज़ों की आपको जानकारी और अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद आप, मैं राय दूंगा कि अच्छे लेवल पे आप इस बिजनेस को कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत पड़े आपको तो मैं बिजनेस आइडिया लेकर आते रहता हूँ और जो वास्तविक बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से हैं उसके बारे में मैं बताते रहता हूँ। और साथ में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस आइडिया के ऊपर बनाना है वीडियो और जानकारी देनी है। तो इसमें बात क्या हो, जैसे एग्जांपल में कि आपको फॉरेन कंट्री में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके माल सप्लाई करने की कैपेसिटी है आप में, तो मैं कुछ दिनों में फॉरेन कंट्री आप कैसे दूसरे देश में कैसे माल अपना सप्लाई करेंगे, गेहूं कैसे देंगे, अनाज की कैसे सप्लाई करेंगे, उसके बारे में पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए, बहुत ही एक अच्छा मार्जिन वाला और कम मेहनत का बिजनेस है। सो थैंक यू सो मच।